तो बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम ये बोल रहा है कॉसेक 6 की पावर ए माइनस कॉसेक 6 पावर ए इक्वल्स टू 3 कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो बच्चों इस पे क्या करना है मुझको, ध्यान से देखिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर में लेने के ले कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जहाँ पे भी किसी की भी पावर 6 हो ना, तो उसको ऐसे किया करो। देखो कॉसेक स्क्वायर ए का क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर ए का क्यूब। तो बच्चों यहाँ देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है क्या, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों मैं इसको ऐसे करके तोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे कर तोड़ता हूँ तो मेरे पे क्या आने वाला है, देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो इससे ये आ गया, और अब क्या आ जाने वाला है ध्यान से देखिए। तो बच्चों अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इससे क्या आ जाने वाला है देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों कॉसेक 4 ए प्लस कॉट 4 ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में ना देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, कॉसेक 4 ए प्लस कॉट 4 ए प्लस, बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पे, पहले ये तो लिख दूँ स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ, इस पे ना 2 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए माइनस करता हूँ, और 2 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस करता हूँ। तो देखो मेरे को ये करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने किया तो देखो ये तो पूरा ही कट जाएगा। अब देखो बच्चों ये पूरा कट रहा है, तो देखो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इक्वेशन तो वैसे की वैसे ही है। पर बच्चों ये करने से ना मेरे को ये आ सकता है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, इस माइनस वाले पार्ट को ना मैं आगे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो कॉसेक 4 ए प्लस कॉट 4 ए माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, ये माइनस वाला पार्ट मैं आगे ले गया था, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, ये 2 है और एक ये 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, 3 कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए तो आ गया, देखो कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों क्या करता हूँ मैं, इसके जगह इस पूरे के जगह क्या कर सकता हूँ ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला हो सकता है देखो ध्यान से, ये हो सकता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, अगर करोगे ना आप तो यही आने वाला है, प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों यही मुझे लाना था, और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई, हैंस प्रूफ। ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए। तो बच्चों अब करते हैं मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका।